नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार लोकतंत्र की जननी कही जाती है और बिहार के वैशाली में ही पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ था। देखिए, जो अशोक स्तंभ है वो वैशाली में है, पर उसी का एक आकृति पटना में आरओबी गोलंबर पर लगाया जा रहा है। देख सकते हैं आप, ये एक बड़ा सा जो अशोक स्तंभ का आकृति है वो आरओबी गोलंबर पर लगाया जा रहा है और ये पूरे कांसे की कांसा है उससे बना हुआ है। आपको बता दें, जो इसका हाइट है वो पूरा 10 फीट है, 5 फीट लंबाई और 5 फीट चौड़ाई है। देखिए, जो भी लोग बिहार आते हैं, जो लोग अपना बिहार से बाहर रहते हैं, पर वो आए, वो इन तमाम चीज़ों को देखे और उसको अपने कैमरे में कैद कर सके। देखिए, लोकतंत्र की जननी है बिहार और बिहार से काफ़ी कुछ संदेश दिया जाता है। हम राजधानी पटना में हैं और राजधानी पटना में अब ये कयामत शुरू हो गई है कि अलग अलग जो चीज़ है वो पटना के अलग अलग चौक चौराहों पे दर्शाया जाए और उसको बनाया जाए। तो ये अशोक स्तंभ की जो एक आकृति है वो पटना के आरओबी गोलंबर पे लगाए गए हैं और इसका देखिए ये जो बना हुआ है वो जिस तरीके से आकृति है अशोक स्तंभ की, उसी तरीके का आकृति इसको दिखाया जा रहा है। और ताकि जो बाहर से जो बौद्धिस्ट हो, जो अलग जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो भी बिहार से बाहर आते हैं वो इन तमाम चीज़ों को देखे और एक मैसेज बिहार के प्रति जो लोगों के दिमाग में बैठे वो खूबसूरती बने। क्योंकि पटना के कई ऐसे चौक चौराहे हैं जहाँ पे कई चीज़ का निर्माण किया जा रहा है, पर इसका भी जो काम है वो जारी है। पर देखिए, एक कांसे से बना हुआ एक बड़ा सा अशोक स्तंभ की आकृति है जिसके ऊपर जो अशोक स्तंभ की आकृति में शेर होता है वो शेर बैठा हुआ है। और देखिए, हम आपको पूरी तरीके से जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बनाया गया है और इसको कहीं ना कहीं अच्छे से प्रोजेक्ट किया जाएगा ताकि जो लोग बिहार के बाहर रहते हैं वो बिहार आएँ तो उनके दिमाग में जो एक बिहार के प्रति मैसेज है वो अच्छा हो जाए। देखिए, यहाँ तमाम चीज़ है, जो लाइट वाइट लगाने के जो सुविधे हैं वो किए जा रहे हैं और ये एक गोलंबर है और इस गोलंबर पे जो तमाम चीज़ है वो बनाया गया है। अशोक स्तंभ में जो सबसे ऊपर शेर होता है वही शेर को यहाँ पे दर्शाया गया। पूरा इसका हम हाइट की बात कर ले तो 10 फीट है और 5 फीट लंबाई और 5 फीट चौड़ाई है। देखिए, हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है, इसका बनाया जा रहा है। आपको बता दें, स्मार्ट पटना स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है और ये तमाम जो कार्य हो रहे हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव स्ट्रीम के साथ। लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।